बारिश के सीज़न में ना समोसे पकोड़े खाने का दिल सभी का करता है, और ये समोसे अगर हम घर पे बना लें ना तो उसकी बात ही अलग है। ये देखिए एकदम 100% क्रिस्पी समोसा ये तैयार होगा, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 400 ग्राम जितना मैंने मैदा लिया है, 1/3 कप जितना यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है रिफाइंड ऑयल। चम्मच से देखा जाए तो ये 4 बड़े चम्मच जितना तेल है। 100 ग्राम मैदे में आप 1 चम्मच जितना तेल ले लीजिएगा। जितना आप मैदा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाला है रब करके, नमक इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना, और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल की जगह पे आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तेल आप इतना ही डालिएगा। अगर तेल में आप कंजूसी करेंगे ना तो होगा क्या कि जो ऊपर की लेयरिंग होगी ना उस पर आप देखे होंगे कि बबल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे मुट्ठी बनना चाहिए, मोयन आप इतना ही डालिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आटा इसका आप सख्त लगाइएगा, जितना टाइट आटा रहेगा ना उतना अच्छा आपका समोसा बनेगा। ये देखिए इस तरह से सख्त आटा लगाइएगा। इसे दबा रही हूँ ना तो हल्का थोड़ा सा ना जोर से करना पड़ रहा है। इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे समोसे के लिए, जिसके लिए एक कढ़ाई में ले लेंगे 1 चम्मच जितना तेल। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लेंगे, जिसमें लिया है जीरा, काली मिर्च और धनिया 1 छोटा चम्मच जितना ही सारी चीज़ें हैं। इसे हल्का ब्राउन होने देंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, 1 छोटा साइज़ का प्याज लिया है मैंने, और साथ ही साथ थोड़ा हींग भी इसमें डाल देंगे। हींग का अच्छा फ्लेवर आता है आलू के मसाले में। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज में देखिए हल्का गुलाबी कलर आ गया है। इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे ना खलबट्टे में मोटा मोटा दरदरा मैंने कूट लिया है, इसे डालेंगे। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक और 3 हरी मिर्ची मैंने ली थी कूटने में। इसे भी देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इसमें। और अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जिसमें लिया है मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, काला नमक और अमचूर। अमचूर और काले नमक से ना बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है मसाले में, और ये ना बाज़ार वाले हम समोसे में ना डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ के साथ यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे ये उबले हुए आलू को मैंने मैश करके रखा था, आलू को इसमें डाल देंगे। अच्छे से आलू को इसमें मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तीन चार मिनट तक मैंने अच्छे से आलू को भून लिया है मसालों के साथ। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। मैंने भून के पहले से रखा था मूंगफली, इसे डालेंगे। समोसों में ना ये मूंगफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो बस इसे भी मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारे देखिए समोसों का मसाला तैयार है। बस यहाँ पर हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो चलिए वापस से हम आते हैं आटे पे। तो आटा देखिए 10 मिनट में सेट हो गया है, तब तक हमने आलू को भून लिया था। इसमें हल्का सा तेल फिर से लगाएंगे, थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे। कचौड़ी वगैरह के लिए भी आपने देखा होगा कि आटे को ना सख्त लगाया जाता है, तो इस तरह से समोसे का आटा आप लगाएंगे ना टाइट से तो बहुत ही अच्छे आपके समोसे बनेंगे। तो देखिए आटे को हमने चिकना कर लिया है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आटा आपका सॉफ्ट ना हो, सॉफ्ट हो जाएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा समोसे में। ये देखिए क्या करेंगे कि रोटी जैसा इसका लोई ले लेंगे और इसे हम बिल्कुल रोटी की तरह ही बेल लेंगे। इस तरह से रोटी से थोड़ा बड़ा लेंगे और क्या करेंगे ना कि हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि हम इसे बेल पाएँ। अच्छे से इसे बेल लेंगे। ये देखिए रोटी की तरह मैंने इसे बेल लिया है। सेंटर में कट लगाएंगे इसमें और इसे रोटी से थोड़ा मोटा रखेंगे, जैसे हम पराठा वगैरह के लिए हल्का मोटा रखते हैं ना उस तरह से इसे थोड़ा मोटा रखेंगे। आलू का मसाला भी मैंने साथ में रख लिया है, और क्या करेंगे जहाँ से कट लगाया है ना वहाँ से इसे फोल्ड करेंगे। इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ, ये देखिए थोड़ा मोटा रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से इस तरह से फिंगर से दबा देंगे और इस तरह से कोन बना लेंगे, और इसमें हम हमारा ये जो स्टफिंग है इसे फिल कर लेंगे। बहुत ही आसान है, एक दो बार करेंगे ना तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दो बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर एक दो बार आप इस तरह से करेंगे ना तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से हमने आलू का मसाला इसमें डाल दिया है, और क्या करेंगे कि इसे इस तरह से दबा के सील कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से ना इसे शेप दे दीजिएगा। तो बस बाकी के समोसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसे आप अच्छे से ना नीचे की तरफ इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाएगा। कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया आपके समोसे तैयार होंगे। कभी भी आटे को आप खुला ना रखें, होगा क्या कि पपड़ी पड़ जाएगी, सूख जाएगा ना आटा, तो होगा क्या कि सील नहीं हो पाएगा अच्छे से सील नहीं हो पाएगा, फिर आप तलेंगे ना तो उस समय समोसे आपके फट सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, जब भी रखें आटे को ना आप कवर करके उसे कपड़े से रखें। तो बस इसी तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे समोसे में स्टफिंग कर ली है। इतने आटे में ना आप 30 से 35 समोसे तैयार कर सकेंगे। मीडियम साइज़ का समोसा मैंने बनाया है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा शेप भी आया है ना। और जब भी इसे आप स्टफ़ करते जाएँ ना, किनारे में आप इसे कपड़े से ढक के ही रखें। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे तेल भी देखिए हमारा गर्म हो गया है। तेल जब गर्म आप करें ना तो बहुत ज़्यादा तेल गर्म ना करें, हल्का जब गुनगुना रहेगा तभी आप समोसों को इसमें डालिए। देखिए बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं हो रहे हैं इसमें, बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हैं। हल्का जब तेल गुनगुना रहेगा तभी आप इसे तलने के लिए डाल दीजिएगा। और क्या करें कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रख के ही आप इसे फ्राई कीजिएगा। तेज आंच पे समोसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं कीजिएगा, फ्लेम को आप लो टू मीडियम पे रख के ही समोसों को फ्राई कीजिएगा। बहुत ही खस्ता आपके समोसे बनेंगे। अगर आप तेज आंच पे फ्राई करेंगे ना तो होगा क्या ना कि ऊपर की जो लेयर है ना इसमें आटे के ऊपर देखेंगे ना कि बबल्स जैसे आ जाएंगे और सॉफ्ट होंगे आपके समोसे। तो ये देखिए कितना सुनहरा सा इसमें कलर आ गया है। मैंने यहाँ पे 2-3 बैच निकाल भी लिया है। तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ही खस्ता आपके समोसे बनेंगे, हलवाई जैसे बिल्कुल। एक तो आटा बिल्कुल सख्त लगाइएगा और मीडियम फ्लेम पर रख के ही समोसे को फ्राई कीजिएगा, तो आपके बिल्कुल खस्ता समोसे तैयार होंगे। देखिए बहुत ही सुनहरा सा कलर आ गया है, बस इसे निकाल लेंगे। तो बस बाकी के भी समोसे इसी तरह से हम तैयार करेंगे। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे आपके समोसे बनेंगे। अगर आपको कोई परेशानी आती है बनाते वक्त तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।